यूपी के रीवा त्योंथर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 8 में हो रहे नाली निर्माण कार्य का आज 2 साल से निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है, जबकि वह मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने का इकलौता मार्ग है और उसी रास्ते से स्कूली छात्रों का भी आना जाना होता है। ऐसी स्थिति में त्योंथर नगर परिषद अमला पर बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। आज एक साथ 4 मवेशी नाली में गिर गए, जिसमें एक मवेशी की मौत हो गई जबकि 3 मवेशी नाले में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि इसके पूर्व भी कई मवेशियों के नाले में गिरकर मौत हो चुकी है, जिसकी शिकायत लगातार ग्रामीणों के द्वारा नगर परिषद CMO से की जाती रही, पर लापरवाह अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, पर प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। वही ग्रामीणों ने CMO आनंद श्रीवास्तव पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा कभी कार्यालय से निकलकर वार्डों का निरीक्षण नहीं किया जाता है और ना ही कभी किसी समस्या का समाधान किया जाता है। साथ ही हो रहे नाली निर्माण कार्य में ग्रामीणों ने ठेकेदार द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किए जाने का भी आरोप लगाया है। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद अधिकारियों की नींद टूटती है या यूं ही दुर्घटनाएं होती रहेंगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।